मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग लिमिट का लेक्चर नंबर फर्स्ट देखे थे, जिसमें हम लोगों ने लिमिट का डिफिनेशन, लिमिट में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है, उसके बाद हमने एक एग्जांपल भी किया था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ये क्लास चूंकि हम लोग का 12th क्लास है, इसलिए हम लोग पूरा डिटेल्स भी बेसिक में नहीं जाते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं उस पर। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, इवैल्यूएट द राइट हैंड एंड द लेफ्ट हैंड लिमिट्स ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इफ x लाइज बिटवीन 0 टू 1 एंड 2 माइनस x इफ लाइज x बिटवीन x क्या है 1 से बड़ा। तो दो कंडीशन आपको दिया हुआ है यहां पर, एक बार है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक बार है 2 माइनस x। ये कब है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा, और एक बार क्या है 2 माइनस x, जब x का वैल्यू 1 से। तो कह रहा है कि एट x इक्वल्स 1 आपको इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकालना है, और साथ ही ये भी शो करना है कि लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट इसका एग्जिस्ट। तो लिमिट का एग्जिस्टेंस तो देखना बहुत ही आसान है, कैसे देखते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, देखते हैं कैसे निकलेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और कैसे निकलेगा देखते हैं। फर्स्टली इस क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है क्वेश्चन में, fx इक्वल्स कितना है, अब एग्जाम में देखिए, पहले हम बता दिए हैं कि एग्जाम के मोटिव से लिमिट और कंटिन्यूटी नहीं पढ़ाता है, लिमिट और कंटिन्यूटी नॉलेज के लिए पढ़ाया जाता है, जो कि आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बिहार बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। एलएचएल ऑफ एफएक्स क्या है, एट एक्स इक्वल्स 1 निकाल रहे हैं, एक्स इक्वल्स 1 पर एलएचएल कैसे निकलेगा ये हम देखते हैं। इन दिस कंडीशन एक्स का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा 1 से। मैंने ये लिखवाया था कल कि जब एलएचएल निकालते हैं इस पॉइंट पर देखते हैं छोटा लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू जब 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है जी, x का वैल्यू जब 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या है 1 प्लस x स्क्वायर। तब निकाल लीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x कितना आ जाएगा बोलिए, आप बोलेगा सर 1 माइनस क्यों दिए, अरे 1 माइनस किसके लिए होता है, लेफ्ट हैंड fx का क्या रखेंगे यहां पर 1 प्लस, आप डायरेक्ट 1 रखें तो कितना आ जाएगा ये बोलो, तो बोलो रे बात रमेश तक सिंघानिया बोले कितना आएगा सर, 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आएगा बोल, पहले बोल 2 चलो। अब आरएचएल में क्या करेंगे, ये प्लस लेंगे उसमें, आरएचएल ऑफ एफएक्स एट एक्स इक्वल्स 1, एक्स का वैल्यू क्या होगा 1 से, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 2 माइनस x, क्या होगा फंक्शन दे, बैठो विपिन भाई खड़ा होइए, x का वैल्यू 1 से बड़ा तो फंक्शन क्या है, यदि कोई प्रॉपर नाम क्या देखने रहा है, तो 2 माइनस चलिए क्या निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, x टेंड्स टू क्या होगा 1 प्लस होगा इतना, अब कितना हो जाएगा लिमिट fx का वैल्यू कितना है 2 माइनस x, अब x का कितना रखेंगे हम लोग 1, कितना हो जाएगा रे 1 अब देख दूल्हा तो बहादुर है, होशियार भी है साथ में, LHL कितना है 2 है, RHL कितना आया, दोनों बराबर है, सीन्स
LHL does not equals to RHL. Therefore, इसलिए limit does not exist. So limit at x equals 1 of fx also does not exist. ग्रुप हो गया ये चीज़ ग्रुप हुआ रे लिमिट का क्वेश्चन है तुम्हें कमजोर क्वेश्चन बुलाता है ये क्वेश्चन कौन किताब का है एक आता है सिंगेज पब्लिकेशन का जो कि जेई मेंस और एडवांस की बुक आता है उसके बुक से था जो कल मैंने ग्रुप में भेजा था पीडीएफ वो जो किताब है आपका सिंगेज पब्लिकेशन का आता है लिमिट जी देवानी का बुक आता है पियर्सन पब्लिकेशन से ठीक है वो वल्लीपुर जेएमएस और एडवांस में होता है उससे क्वेश्चन करवाए हैं ठीक है हम लोग इस पर देखिए जेएमएस का प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे आपको जो पढ़ा रहे हैं आप लाइन बिलिंग खाली पढ़ते रहिए ठीक है नोट कीजिए चलिए तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें भी आपको लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट निकालना है ठीक है ये क्वेश्चन हम लोग दो तरीकों से बना के देखते हैं दोनों तरीका आप लोग सीखिएगा दोनों मेथड क्या है कि ठीक है देखते हैं फर्स्टली हम लोग को गिवन क्या है ठीक है ये गिवन है हमको हमको x इक्वल्स 4 पर क्या निकालना है इसका लिमिट निकालना है क्या निकालना है पहले हम लोग LHL निकालेंगे क्या निकालेंगे LHL ऑफ fx एट x इक्वल्स एक LHL लिमिट का मैंने ये भी फॉर्मूला आप लोगों को लिखाया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस x बात है ये LHL का लिखवाए होंगे फॉर्मूला और एक RHL का लिखवाए होंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस इसमें विशेष कुछ नहीं सोचना होता है और लिमिट किस पॉइंट पर निकलता है लिमिट उस पॉइंट पर निकलता है जिस पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है जैसे x x does not equal to 4 है मतलब लिमिट किस पर निकलेगा इस पर किस पर ऊपर वाले पर निकलेगा लिमिट किस पर निकलेगा x does not equal to 4 चलिए इस पे LHL निकालेंगे LHL बराबर क्या हो जाएगा LHL बराबर लिमिट x tends to 0 f of a माइनस एच क्या होगा a माइनस तो फिर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो a के जगह कितना है यहाँ चार माइनस एच हो जाएगा a के जगह कितना है चार है ना तो कितना हो जाएगा चार माइनस एच अब ये चार को हम कहाँ रख देंगे x के जगह चार माइनस एच को कहाँ रख देंगे x के जगह तो कितना हो जाएगा देखो चार चार माइनस एच माइनस चार का मूल बट्टा में कितना है चार माइनस एच माइनस इतना होगा कि नहीं होगा माने एफ एक्स की जगह अगर सुनो एफ एक्स की जगह है एक्स माइनस फोर का मोड बटा एक्स माइनस अभी एक्स को हम किससे रिप्लेस कर दिए एक्स को किससे रिप्लेस किए चार माइनस एच तो यहाँ जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या हो जाएगा चार माइनस किसी को समस्या है इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 इसको तोड़ो तो कितना होगा 4 माइनस एच माइनस 4 बटा में 4 4 कितना बचा 4 4 कट गया प्लस h बटा माइनस h अब माइनस h का मोड कितना होगा माइनस h का मोड आपको पता है मोड कितना होगा अभी h से h कितना आया माइनस 1 माइनस अब कभी भी कांस्टेंट अगर है लिमिट में तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा कांस्टेंट एंड इसका लिमिट कितना हो जाएगा माइनस लिमिट कितना हो जाएगा अब आरएचएल निकालते हैं आरएचएल ऑफ एफएक्स एट एक्स इक्वल्स बराबर चलिए यहाँ क्या लेंगे एच टेंस टू जीरो एफ क्या लेंगे चार प्लस एच लेंगे राजीव जी चार प्लस एच लेंगे चार माइनस एच चार प्लस एच आर एच एल में बड़ा लेंगे आर एच एल में छोटा लेंगे प्लस एक और मेथड सिखाएंगे इसके बाद ठीक है एक और मेथड से भी आप बना सकते हैं क्वेश्चन को ठीक है
चलो अब कितना होगा, रखो यहाँ पर 4+H- बट्टा में कितना होगा बोलो, कितना रे 4+H- कितना आ जाएगा रे, 4 से 4 क्या आ गया लिमिट एच जीरो एच बट्टा कितना रहेगा करके होगा, वैल्यू कितना आ गया एक। अब सुन एरेथल कितना है माइनस वन, एरेथल कितना है प्लस वन, ठीक है सिंस एरेथल डज नॉट इक्वल टू एरेथल देयरफॉर लिमिट डज नॉट इक्वल, सो लिमिट कितना, अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब इसका लिमिट हम लोग नहीं निकाल सकते, इसका लिमिट हम लोग बाद में रेपिन, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो लिमिट उसका, पीछे वाला क्लास जो मिस किए होंगे जा करके पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जब एलएचएल और आरएचएल दोनों सेम हो गया बराबर चला यार, लिमिट क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग जैसे यहाँ एच लिए है ना तो बिना एच ले भी बना सकते, वो कैसे बनता है देखिए, देखिए ना एग्जिस्ट तो नहीं करेगा लिमिट, लेकिन दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका में जो मोड है तो मोड का एक रूल होता है, मोड के बारे में मैंने बताया होगा कि मोड एक्स का दो वैल्यू होता है, एक बार माइनस एक्स और एक बार माइनस एक्स, कब होता है जब एक्स का वैल्यू जीरो से छोटा हो और प्लस एस का बोलते जीरो से क्या हो बड़ा हो, और जीरो का बोलते जीरो के बराबर, ये तीन कंडीशन होता है मोड एक्स वाले में, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं मोड एक्स है, क्या है यहाँ पर, तो इसको जब हम तोड़ेंगे बाबूरे तो एक्स का वैल्यू जब चार के बराबर नहीं है, चार के बराबर तो इसमें दो कंडीशन निकले है, कौन कौन, एक बार चार से क्या होगा छोटा होगा और चार से नहीं तो, से अगर मान लीजिए x 4 के बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है कि x 4 से बड़ा होगा और नहीं तो, जब x का वैल्यू 4 से छोटा है, x का वैल्यू क्या है 4 से, x का वैल्यू 4 से छोटा है तो मोड वाला किसमें आएगा रे माइनस, मोड वाला किसमें आएगा माइनस में, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 4 बट्टा x माइनस 4, ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा रे, सही कट गया, कितना आएगा माइनस वन, मतलब एक्स का वैल्यू जब चार से छोटा एफ एक्स का वैल्यू कितना, अब एक्स का वैल्यू चार से बड़ा तो क्या देगा ये मुझे कितना आ गया होगा, बस यही। अब सुनो अब सिंपल बात समझो, अब तुमको एलएचएल निकालना है, एलएचएल वाले में क्या होगा एक्स का वैल्यू चार से छोटा, अगर चार पर देखना है तो माइनस क्या दे रहा है माइनस वन, अब तुम निकाल लो लिमिट एक्स टेंड्स टू चार माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू चार माइनस एफ एक्स का वैल्यू कितना है माइनस, कितना आ जाएगा आर एच एल निकालेगा तुम, एक्स का वैल्यू चार से बड़ा तो फंक्शन का वैल्यू प्लस, दिक्कत है किसी को, समस्या है नहीं, इतनी समस्या लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, अब fx का वैल्यू कितना है एक, कितना रहेगा वैल्यू, अब सुनिए अब बताइए कि LHL और RHL क्या बराबर है, नहीं है, सिंस LHL डज नॉट इक्वल्स टू RHL देयरफॉर लिमिट ठीक है, लिमिट क्या होगा एग्जिस्ट, तो इस मेथड से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, एच लेकर के भी बना सकते हैं दोनों में से, ठीक है दोनों में से कोई भी परेशानी, अच्छा इसमें क्या होगा आपको पहले फंक्शन को सॉल्व करना होगा, ठीक है उसमें क्या होगा डायरेक्ट वैल्यू रख करके भी आप बना सकते हैं, बात मेरी समझ रहे हैं, मेरी बात को तो आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, लिखिए एक
क्वेश्चन आपको दे रहे हैं घर के लिए बनाने के लिए, इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालना है अगर ये एग्जिस्ट करता हो, ठीक है। तो क्वेश्चन है इसको यहाँ पॉइंट भी दिया हुआ है, कितने पॉइंट पर निकालना है आप लोग का एक से दो दिन में क्लास लिमिट का खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा ऑन है उसके लिए। क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, खोजना वाला क्वेश्चन आपके लिए, जो मैंने पढ़ाया उस पर क्वेश्चन होना चाहिए ना। कहीं से क्वेश्चन देंगे तो फिर आप गड़बड़ा जाएगा। तो ये पांच क्वेश्चन आप लोगों के पास है, इसमें आप लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल के लाना है। अगले डे आपका लिमिट का कुछ क्वेश्चन चलेगा, इसमें आप लोग लिमिट पर जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे जो आपके बोर्ड लेवल के लिए चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका चैप्टर चालू करना है कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी में जो लिमिट की आवश्यकता है उतना तक तो हम लोग कम से कम करेंगे, उसके बाद हम लोग का डिफरेंशिएबिलिटी में भी लिमिट की आवश्यकता है वो भी करेंगे, उसके बाद ही हम लोग देखिए अभी हम लोग लिमिट पढ़ रहे हैं, आगे हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, फिर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी, तब जाके डेरिवेटिव करेंगे। क्योंकि डेरिवेटिव पढ़ने से पहले ये तीन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी जाके उसको आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अरे उधर तो नहीं हुआ ना, उधर तो बन जाएगा इसे क्वेश्चन दे, लिमिट सीख जाएगा ना, तब कंटिन्यूटी में दिक्कत नहीं होगा। अब कंटिन्यूटी ऑब्जेक्टिव पूछता है, खाली ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्ट उतना नहीं आता।
सर सब्जेक्ट का नहीं करता है सर जब ऑब्जेक्टिव।